पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग आज मान की बोली बोलते हुए नजर आए। राजा वड़िंग का साफ तौर पर कहना है कि किसानों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और करना भी चाहिए, लेकिन लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इतने दिन तक सड़क बंद रही थी, तब राजा वड़िंग जी कहां पे थे और तब भगवंत मान जी कहां पे थे? मतलब ये तो ये हो गया कि बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो आप रोड जाम कर सकते हैं, लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी या पंजाब में प्रदर्शन करते हैं रोड जाम करके तो लोगों को असुविधा हो रही है। ये दोहरा खेल नहीं चलेगा। बहरहाल देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राजा वड़िंग, चलिए आपको दिखाते हैं। पर मेरी बेनती है किसान भरावान, तलखी तो हैगी है, तलखी रखन, लड़ाई लड़न, लेकिन जिहड़ी आम जनता है उन्होंने तंग परेशान भी ना करन, उन्हां दा भी ख्याल रखन, उन्हां दी भी रोजी रोटी का ख्याल रखन। ये नहीं गा भी जिहड़ी मर्जी सड़क ते आके ते किथे मर्जी तुसीं आपदा धरना लाओ। मेरी बेनती है, मैं उन्हां नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा हां कि जिहड़े आम जनता परेशानी होनी चाहिए, तुसीं डीसी दफ्तरां दे बाहर, तुसीं एसडीएम दे दफ्तर दे बाहर, तुसीं लीडर दे घर दे बाहर तुसीं धरना प्रदर्शन जरूर करो, कोई इतराज नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, थोड़ा हक बनता है, लेकिन आम जनता नूं भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। प्रधान जी एक मिनट आयो, रेता रेता यार फिर तो महंगी हुई, सस्ती कदों हुई सी? मैनूं लगदा तू भी उन्हां नूं बोल रहे बेच जे कदों केड़े वेले सस्ती हुई, मैनूं लगदा तैनूं ट्राली देती होनी है सस्ती। बिलकुल ट्राली सस्ती नहीं हुई, रेता तो पतंदरों 3 गुणे होगी। प्रधान जी